हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CPSEs यानी सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेज, या जिनको PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट्स भी बोलते हैं, उनका जो IDA जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस, या शॉर्ट में कहें तो डियरनेस अलाउंस, उसमें हुए इंक्रीज के बारे में। तो जैसे आप सभी को पता होगा कि जो PSUs हैं उनका DA गवर्नमेंट हर 3 महीने के बाद रिवाइज करती है। तो इस बार इससे पहले जो रिवाइज हुआ था वो 1 जनवरी 2023 से रिवीजन हुआ था, अब ये 1 अप्रैल 2023 से रिवीजन होना था। तो ये अभी बढ़कर 37.7% हो गया है, जिसके लिए कि DP जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है और ये PSU के सारे मैटर देखता है, तो उसने ये लेटर जारी कर दिया है। अब ये सभी PSUs को सर्कुलेट कर दिया जाएगा और वो सारी PSUs इंक्लूडिंग कोल इंडिया भी अपने यहाँ पे इस बड़े हुए DA को इंप्लीमेंट कर देंगे। तो अगर बात करें तो 1 अप्रैल 2023 से जो बड़ा हुआ DA है वो 37.7% होने वाला है। अब इससे पहले अगर देखें ये कितना था और कितना इंक्रीज हुआ है और क्या इसका सैलरी पे इफेक्ट पड़ेगा, तो अगर हम उसकी बात करें तो अगर देखा जाए इससे पहले कितना इंक्रीज हुआ था, तो इससे पहले जो डीएमएस अलाउंस था वो 37.2% था, जो कि 1 जनवरी 2023 से मिल रहा था। तो इसका मतलब अगर नेट इंक्रीज की बात करी जाए तो ये 0.5% का इंक्रीज है। 0.5 का इंक्रीज है बेसिक सैलरी पे। तो अगर किसी की बेसिक सैलरी 60,000 है तो यानी उसको कितना इंक्रीज होगा उसकी सैलरी में, तो ये लगभग 300 रुपये के आसपास का इंक्रीज होगा उसकी जो जो ग्रॉस सैलरी होगी उसमें जो इंक्रीज होगा, क्योंकि ये बेसिक सैलरी पे मिलता है DA। तो अब ये 37.7% है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। ये एक्चुअली इन्फ्लेशन पे डिपेंड करता है कि इन्फ्लेशन कितनी बढ़ी है। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो ये को भी उसी रेट से गवर्नमेंट को बढ़ाना होता है। अगर ये उस रेट से नहीं बढ़ी है महंगाई तो वो उस रेट से बढ़ती है। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आप कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं।